हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग हम जो है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम किसके ऊपर बनाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले जो था, हम गए थे दिल्ली और गुड़गांव। वहां पर हम जो हमारे साथ लड़का गया था, उसका हम एडमिशन कराने गए थे क्रिकेट अकेडमी में। तो वहाँ तो किसी रीज़न की वजह से वहाँ क्रिकेट अकेडमी में जो है वो एडमिशन नहीं हो पाया था। तो लेकिन हमने उसमें वीडियो में बोला था कि हम लोकल में ही कोई ऐसी अकेडमी, अच्छी अकेडमी देखेंगे, वहाँ पर उसकी तैयारी कराएंगे। जो समर कैंप बड़ी बड़ी अकेडमियों में लगते हैं, उसके लिए वहाँ पर उसकी तैयारी कराएंगे। तो हमें फाइनली जो है वो यहाँ पर एक बराबर में हमारे एक बहुत बड़ा बरेली शहर है, वहाँ पर एक अच्छी अकेडमी है, वहाँ पर उसकी तैयारियों के लिए वहाँ उसका एडमिशन हो गया है। तो एडमिशन हो गया उसका, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो अब क्रिकेट की जो हम उसके लिए किट लेके आए हैं, उस किट का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और उस किट में क्या क्या सामान मिला है वो सब मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लाइक जैसे कि उसमें बल्ला कैसा है और उसमें क्या क्या सामान रहता है। वैसे तो नॉर्मली सबको ही पता रहता है कि क्रिकेट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको अलग अलग करके चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, कि थाई पैड होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ होती है। तो ये इस वीडियो में मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना। तो अभी हम चलते हैं नीचे और वहाँ पर दिखाते हैं आपको उसका किट बैग पूरा। गाइस, नीचे वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और जो रॉड थी, लाइट थी, वो ऑन करने पर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा था, फेस अच्छे से दिख नहीं रहा था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर ऊपर छत पे आया जाए, यहाँ पर अच्छा वीडियो लग रहा है मुझे, होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो अभी हम करते हैं पूरे बैग का रिव्यू, क्या क्या उसमें सामान है। तो गाइस, सबसे पहले है ये एक बल्ला जो है इंग्लिश ब्लो। तो ये बल्ला थोड़ा सा महंगा है, ये लगभग है 2700-2800 रुपए का दिया है, 3000 इसकी कॉस्ट हमें बताई थी, और ये हमें दिया है 2750 रुपए का। तो ये बल्ला काफ़ी अच्छा है, और जो लेदर की बॉल होती है उससे खेलने में काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता है, और सब लोग इसी ऐसे ही बल्ले यूज़ करते हैं। तो हमने ये इसलिए दिलाया है कि बार बार टूटेगा, और लेदर की बॉल काफ़ी हार्ड होती है, तो उससे टेम्परेरी बल्ले रुक नहीं पाते हैं, इसीलिए महंगा वाला बैट उसे दिला दिया है। लगभग 2750 रुपये का ये बैट है, ये बैट कुछ इस तरह है। और ये तो ये रेड कलर की बॉल से खेले हैं, तो यहाँ पर इसे लाल लाल कर दिया है, और काफ़ी अच्छा लगता है ये बल्ला देखने में भी, और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट भी जाते हैं इससे। तो ये बल्ला आपने देख लिया, अब देखते हैं दूसरी चीज़। एक्चुअली ये सारा सामान जो है वो हमने पूरी ये किट बनवाई थी, हेलमेट अलग से लिया है, बल्ला अलग से लिया है, और जो बैग है वो अलग से लिया है। हर एक चीज़ इसकी अलग अलग कंपनी की अलग अलग है, तो इसीलिए थोड़ा हमें कॉस्टली तो पड़ा ही है, लेकिन चीज़ें अच्छी मिल गई हैं। तो ये है हेलमेट, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं ये एक हेलमेट है, और इसको क्यों लगाते हैं ये भी आप लोग सब जानते हैं, और इसको लगाने के बाद कुछ चेहरा ऐसा करके दिखता है। वैसे मैंने कभी लगाया नहीं है ये, बट अभी लगा रहा हूँ, ये देखिए मेरा तो फेस भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो ये है हेलमेट, हेलमेट हम नॉर्मली आपको बताइए क्यों लगाते हैं। तो ये हेलमेट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और ये एसएस कंपनी का ये हेलमेट है, काफ़ी अच्छा हेलमेट है, ये काफ़ी मजबूत भी है। ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स भी आपको पता होगा कि ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, किस लिए इसको पहन के खेलते हैं प्लेयर। और ये जो हैं वो भी एसएस के हैं, ये भी एसएस कंपनी के ग्लव्स हैं, ग्लव्स भी काफ़ी ज़्यादा सही हैं। ये भी हमने मतलब किट के साथ ही हमें मिले हैं, मतलब अलग अलग हमने किट जो है हमने पूरी किट बनवाई थी। तो ये ग्लव्स हैं, देख लीजिए ये ग्लव्स हैं, और ग्लव्स के अलावा भी जो किट में होता है, और ये थोड़ा प्रोटेक्शन का सामान है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये वो सामान है। ये आपका एल्बो है जो यहाँ लगाई जाती है इस वाले हैंड पे, और ये जो थाई पैड है वो आपको पता ही है यहाँ पर लगाया जाता है कमर जो होती है हमारी उसके नीचे, यानी इस वाले एरिया पे। तो ये नीचे लगाने का है, और ये, और एक चीज़ और होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है और सबसे ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करती है, वो ये है। आपने देखा होगा प्लेयर मे भी आपको नहीं दिखाते हो, क्योंकि प्लेयर जब पहनते हैं तो वो आपके सामने ड्रेसिंग रूम में वो वीडियो वायरल नहीं होते हैं, इसीलिए ये चीज़ जो होती है वो हम अपने
प्राइवेट पार्ट जो हमारा होता है उस पर हम यूज़ करते हैं इसे, और या वहाँ बॉल लगने का ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है जो वहाँ पर उस वाले एरिया को ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये चीज़ कुछ ऐसी है, देख लीजिए इसको कैसे बांधते होंगे ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब बांधेंगे तो बंध जाएगा ये है। और भी इसमें दो तीन सामान हैं, और ये है, ये आप देखते ही होंगे, ये हाथों पे प्लेयर पहने रहते हैं यहाँ पर। इसके दो तीन फायदे होते हैं, एक तो हमारे ये जो हाथ होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, और जब हम गिरते हैं और जब हम डाइव मारते हैं तो जो हमारी ये चीज़ें होती हैं जो घास की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर इंजरी हो जाती है और थोड़ा सा छिल जाता है, उसकी वजह से इसको यूज़ करते हैं। और भी कई इसके फ़ायदे होंगे, फ़िलहाल मुझे दो तीन फ़ायदे ही पता थे। और भी कुछ है यहाँ पर, और इसने जो छोटा वाला था उसने ये जो कमर दर्द है और ये हाथ दर्द का जो ट्यूब है वो भी ले रखा है, बॉल वगैरह लग जाए तो इसको, ये जेल है, इसको लगाने के बाद थोड़ा आराम मिले। और ये कुछ बॉल है, ये लेदर की बॉल है, ये बॉल है, लेदर की बॉल है, ये इसी बॉल से खेले हैं और लाल लाल पूरा बल्ला कर दिया है। तो ये लास्ट में रहा बैग, पूरा किट बैग। और इसमें मैं पैड आपको नहीं दिखा रहा हूँ, पैड जो सबसे अहम होते हैं लेग, जो टांगों पे लगाए जाते हैं पैड, वो पैड थोड़े से बड़े आ गए थे इसीलिए हमने उसको वापस रिटर्न किया है, तो अभी दो तीन दिन बाद वो आने वाले हैं। तो पैड तो आपको पता ही है कि पैड क्यों लगाए जाते हैं और पैड कहाँ पर लगाते हैं, ये तो सब आपको पता ही है। तो यही थोड़ा सा सामान था, होप कि आपको ये सामान सब पसंद आया होगा, और पसंद कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ी सी इसमें बेकार लगी हो तो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई अगर आपका सवाल या कोई सजेशन तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दें, क्योंकि मैं आए दिन ऐसी ही वीडियो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डालता रहता हूँ और ब्लॉग भी डालता रहता हूँ मैं अपने चैनल पे। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।